उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के सतपुरा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की चपेट में आने से लगभग 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को सहारनपुर जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने झुलसे हुए लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इस पूरे मामले में एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि 1 साल पहले भी इस फैक्ट्री में ऐसा ही एक हादसा हो चुका है, जिसके बाद काफी सुधार करने के बाद ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उनके कमेटी को बता दिया गया कि आपने इसमें पॉइंट दिए। इसमें सर कोई कैजुअल्टी भी है? नहीं, अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं है। कुछ लोग घायल हैं इसमें, 7-8 लोग घायल हैं, जिनको कि अस्पताल में उपचार चल रहा है। सर ये हादसा दोबारा हुआ है? पहले भी एक बार 1 साल पहले हो चुका है। इसमें 1 साल पहले इसी फैक्ट्री में एक हादसा हुआ था इसी तरह से, जिसके बाद इसमें जो रिपोर्ट हुई थी उस पर इनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सेफ्टी जो इनकी गाइडलाइंस है उनको दोबारा चेंज किया गया था। जैसे कि इनकी वायरिंग जो बाहर थी उसको अंडरग्राउंड किया गया था और भी कई सुधार किए गए थे। उसके बावजूद जो है इस बार ये जो घटना घटित हुई है इसमें भी हम लोग जाँच करके जो भी जिसकी कमी पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी सुधार करना होगा उसके लिए हम लोग इसमें करवाएंगे। दूसरी बार हादसा हुआ, क्या इंक्वायरी कर रहा है किसी के इतना भयंकर हादसा? तो पहले भी 8 लोग मर गए, तो क्या इसके बाद कोई मतलब ऐसा बता दिया मैंने इसके बारे में सब कुछ।